जाके कहो उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी अपनी सेवा में पुकारा है। रुको प्रतिकामी, सभा का नियम था कि कोई भी राज स्त्री सभा में उपस्थित नहीं होगी। पांचाली कुल वधू है, उसे यहां आने की अनुमति नहीं। पितामह, कदाचित आप भूल रहे हैं कि पांचाली ना तो सम्राज्ञी है अब और ना ही गुरुवंश की कुलवधू। वो मात्र एक दासपत्नी है। बस करो दुर्योधन, बस करो। अधिक अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो उसका परिणाम कहीं भयावह ना हो। महामहिम, नियम ये था कि कोई राष्ट्रीय सभा में नहीं आएगी, परंतु दासी को सेवा के लिए सभा में आने का नियम सभी ने स्वीकार किया था। गांधार नरेश, अपनी सीमा में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। शकुनी ठीक कह रहा है ताच्छरी। अब यदि द्रौपदी पुत्र दुर्योधन की दासी है तो उसे सेवा के लिए सभा में बुलाने का अधिकार दुर्योधन को है। नियम अधर्म को रोकने के लिए बनाए जाते हैं महाराज, अनर्थ और अधर्म करने के लिए नहीं। अपने इस पुत्र को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे नाश करने की प्रतिज्ञा ले बैठूं। एक और प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ताच्छरी, अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो आपने वर्षों पूर्व ली थी। वो प्रतिज्ञा जो आपको हस्तिनापुर के सिंहासन से बांधती है, वो प्रतिज्ञा जो आपको मेरा विरोध करने से रोकती है। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर सकता, परंतु मैं इस अनर्थ का भाग नहीं बन सकता। यह अधिकार मुझे है, इसलिए मैं इसी समय इस सभा का परित्याग करता हूं। महामहिम, प्रतिज्ञा जो आपने की थी हर परिस्थिति में गुरुकुल का साथ देने की, प्रतिज्ञा जो आपने की थी कि हर निर्णय में महाराज धृतराष्ट्र का साथ देने की, वो ही प्रतिज्ञा आपको इस सभा का त्याग करने के लिए भी रोकती है। महामहिम, क्या आज आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं? महामहिम, चाहे तो आप स्वयं अपने धर्म का वध कर सकते हैं, परंतु जब तक महाराज धृतराष्ट्र आपको आज्ञा नहीं देते तब तक आप इस सभा का त्याग नहीं कर सकते। ये आपकी प्रतिज्ञा भी है और बंधन भी। आज प्रथम बार मुझे ये प्रतीत होता है कि कदाचित मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। जिस इच्छा मृत्यु को मेरे पिता ने मुझे वरदान स्वरूप भेंट किया था वह श्राप प्रतीत होती है। Ah!
में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मित्र, प्रतिकामी जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्युत में हार चुके हैं और अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज द्यूत में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञसेनी द्रौपदी ना उसकी दासी है और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार है? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति द्युत खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। अधिकार अधिकार दुशासन भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींच कर इस सभा में लेकर आओ। उस दासी को यहां लेकर आओ। नहीं दुर्योधन, नहीं दुशासन, ऐसा मत करना। आओ दान दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। मौन रहो बैल भीम, मत भूलो के तुम सब दास हो और दासों का धर्म उसके स्वामी के विरुद्ध बोलने की या शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। भूल जाऊंगा सब फर्म, भूल जाऊंगा और विनाश कर दूंगा तुम सबको, विनाश कर दूंगा। यदि अपने ज्येष्ठ के वचनों का निरादर करना है तो जाओ, हम आपको स्वतंत्र करते हैं, हैं? परंतु यहां से जाने से पूर्व इस सभा से और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से यह कह दो कि तुम ना उनका धर्म स्वीकार करते हो और ना ही उनका अधिकार।
दुशासन, मौन एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। खींच कर आज बालों से आज जाओ जाओ दुशासन आज खींच कर महारानी, आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं साम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुल वधू तुम्हारी भाभी हूँ। दुष्ट, इतना बड़ा अपमान, भूल मत कि मैं याज्ञ सेनी द्रौपदी हूँ। अपने सम्मान की रक्षा करना मुझे भली भांति आता है। ना तुझ में इतना साहस है और ना उस नीच दुर्योधन में कि मुझे दासी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत कर सके। अग्नि की शिखा को बांधा नहीं जा सकता दुशासन, और यदि साहस है तो कुरुवंश की कुलवधु को महारानी की उपस्थिति में ले जाने का प्रयत्न करो। धृतराष्ट्र, अब भी समय है पुत्र मोह में। इतने भी अंधे मत हो जाओ, इस अनर्थ को रोक लो। अनर्थ की अग्नि को इतना भी प्रज्वलित न करो कि समूह कुरुवंश इसमें स्वाहा हो जाए। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। हट! परंतु वीरांगना के हाथ में खड़ा कवच शोभा देता है। दुष्ट दुशासन! Thank you.
बात तुझे क्यों क्यों समझ में नहीं आती दासी कि तेरा प्रतिकार जितना बढ़ेगा तेरे अपमान की पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। आज अग्नि तो क्या पांच तत्व मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते। Ah!
आदेश ना मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। दुष्यंत जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है, मैं उन्हीं हाथों को धड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। स्वप्न मत देखो दास, प्रतिज्ञा तो तब पूर्ण होगी जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अनुज दुशासन, जब गर्व टूटता है, जब अभिमान चकनाचूर हो जाता है, तब सबसे पहले मुख काला हो जाता है। अग्नि सूता होने का गर्व टूटा है इस याज्ञ सैनी का। दिखाओ इस दासी द्रौपदी का मुख। मैं दासी नहीं हूं, मूर्ख दुर्योधन। मैं साम्राज्ञी हूं। तुम्हारी चौसर पर पड़ा कोई मेरू नहीं, जिसे जब जी चाहे उठाकर फेंक दोगे। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज?
वंश की कुल वधु, आपके अनुज की पुत्र वधु, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूं। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है। क्यों महाराज, क्या ये भी गुरु वंश की कोई रीति है? पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, तो आज हस्तिनापुर के सम्मान का अंत होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं? आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं पितामह, वो तो पतित पावनी है, फिर आपके सामने ये पाप होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं पितामह? गुरुद्रोण, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते समय लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे आप अपने शिष्यों को? क्या युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दांव पर लगाने के साथ साथ एक स्त्री के मान को भी दांव पर लगाना सिखाया आपने? आप तो नीति के महान ज्ञाता है काका श्री विदुर, तो इस समय आपकी नीति शांत क्यों है? महाराज से तो विधाता ने देखने की क्षमता छीन ली, परंतु अनीति का विरोध करने का साहस आपसे किसने छीन लिया? अपनी मन की आंखों से देखिए महाराज, आपके पुत्र किस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं। आप मौन कैसे बैठ सकते हैं? एक दासी को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए पांचाली, और तुम इस समय पुत्र दुर्योधन की दासी हो। हो गई, किस प्रकार दासी बन गई मैं? अभी तक धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। जब वो द्यूत में स्वयं को हार चुके थे, तो उन्हें मुझे हारने का अधिकार किसने दिया? कहते हैं कुरु ध्वज के नीचे धर्म सांस लेता है, तो उसी ध्वज को थामने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यही धर्म है कि जुए में हारा हुआ जुआरी अपनी पत्नी को भी हार जाए? क्या यही धर्म है? महान शूरवीर पांडव, आप सब मुझे कैसे हार गए? अपनी पत्नी को कैसे हार गए? किसकी आज्ञा से, किसकी अनुमति से, किस अधिकार से? किसी भाई के अधिकार से कहीं अधिक है। माना कि आप पांचों भाई हैं, परंतु एक पत्नी का अधिकार
परिवार में सबसे अधिक होता है। मनुष्य की मृत्यु पर परिवारजन केवल दुखी होते हैं, परंतु विधवा, विधवा केवल उसकी पत्नी होती है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली जननी है। उस जननी को कैसे हार गए आप? कैसे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने आप चारों अनुजों से मुझे दांव पर लगाने की अनुमति ली थी? क्या आप चारों कनिष्ठों ने अनुमति दी थी? यदि नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे मुझे दांव पर लगाया गया? कैसे मैं दासी बन गई? क्या धर्मराज के धर्म का भाला अपनी धार खो चुका था? क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई थी कि उनसे उठी नहीं? क्या महाधनुर्धार अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे? क्या नकुल और सहदेव खड़ग उठाने में समर्थ नहीं थे? फिर कैसे मेरा अपमान हो जाने दिया आप सबने? इस सभा में उपस्थित प्रत्येक मनुष्य से मेरा प्रश्न करने का अधिकार है, परंतु मैं केवल आप सबसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी लिए, क्या उस स्त्री को एक वस्तु समझ लिया आप सबने? क्या स्त्री एक वस्तु है कि जब जी चाहो दांव पर लगाया और जीत लिया? क्या स्त्री का मान एक खिलौना है कि जब मन चाहा सजा कर रख दिया और जब मन चाहा पांव तले कुचल दिया? क्या स्त्री का घर पुरुषों की इच्छा पर चलने वाला दास है? क्या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए धर्म पुरुषों को एक स्त्री का अपमान करने की आज्ञा देता है? यह धर्म स्वयं ही एक स्त्री के अपमान का कारण है। आप पांचों ने भले ही अपने आप को दास स्वीकार कर लिया, परंतु याज्ञसेनी द्रौपदी अभी भी स्वयं को स्वतंत्र मानती है और इस संसार की कोई भी शक्ति उसे दासी सिद्ध नहीं कर सकती। शांत शांत हो जाओ द्रौपदी। सम्मान का प्रश्न तो पुरुषों से पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों नपुंसक है, नपुंसक। कैसे नपुंसकों को अपना पति बना लिया है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूं।
एक अफसर अपना सम्मान बचाने का। मुझे अपना लो द्रौपदी। मुझसे संबंध बनाओ तो मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझसे संबंध बना लिया तो ना तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा और ना ही मुख उठाकर कोई दासी कहेगा। द्रौपदी आकर मेरी चंगा में बैठो। आकर मेरी टंगा में बैठो। दुर्योधन! दुर्योधन! पांड पुत्र भीम, यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। यह मेरा प्राण है, यह मेरा प्राण है, यह मेरा प्राण है। का ऐसा अपमान देखने के लिए आपके पास आंखें तो नहीं है महाराज, पर कान तो है। सुन तो सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के विद्वंस के पंजाब है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली, तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूं दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूं।
ये दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है। क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। अभी मुझ पे यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अभी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र। जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता, तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का। असंभव। तुमने इस विषय में सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया दुर्योधन? जब मनुष्य पर नाश चाहता है पहले उसका विवेक हार जाता है। दुर्योधन अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। महामंत्री ठीक कह रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो। अनर्थ तो हम होगा इस सभा में। हम क्या दीजिए प्रादर्शी, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ देश, गुरुकुल में हुए इस पाप का कलंक मैं अभी यही गौरव के रक्त से धोऊंगा। हाँ देश, या तो हमारे प्राण ले लीजिए या फिर हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। मौन रहो दास। दास हो ना? क्या तुम दास नहीं? क्या ये दास ही नहीं? और एक दासी को दंड देने का अधिकार है कि नहीं? मुझे ये अधिकार नहीं है। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता। और वो एक कुल वधु है। अरे ये कुल वधु नहीं, ये नगर वधु है। नगर वधु है कौन? बताओ कर्ण, जो हर दो महीने में अपना पति बदले वो कौन है? ये
जो स्त्री पांच पांच के साथ शयन करे उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण, शब्दकोश में पांच पांच पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कर्ण, तुम्हें अपने गुरु परशुराम की सौगंध, मेरी मित्रता की सौगंध है कर्ण, तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें सौगंध है कर्ण, बोलो क्या शब्द है इस स्त्री के लिए? बोलो कर्ण, सौगंध है तुम्हें, बोलना होगा तुम्हें, सौगंध है, बोलो। अकेले में वस्त्र उतारे या सबके सामने, कोई अंतर नहीं। उससे उसका मान भंग नहीं होता अपितु दर्शकों को आनंद मिलता है। दुर्योधन, इसे क्षण बंद करो, ये सब अपने विनाश को आमंत्रण मत दो दुर्योधन। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तुम्हें वस्त्र हरण करने का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि इस समय वस्त्र हरण किया तो इस सभा में बैठे महापुरुष अपने वचनों को तोड़कर हमारे प्राण भी हर सकते हैं। इस दासी के वस्त्र हरण से पूर्व तुम्हें इन वीरों का शस्त्र हरण कर लेना चाहिए। ठीक है मामा श्री। इस दासी को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। परंतु एक स्थिति में कि यहां बैठे सभी स्वतंत्र वीर मेरे समक्ष अपनी सेवा स्वीकार करेंगे। हाथ जोड़कर मुझे अपना स्वामी माने, सब शपथ ले कि यदि उनके शस्त्र उठेंगे तो वो केवल मेरे लिए उठेंगे। यदि स्वीकार है तभी मैं इस दासी को क्षमा कर सकता हूं। मुझे स्वीकार है कि हमारे शस्त्र केवल तुम्हारे लिए ही उठेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम तुम्हारा पक्ष और सेवा
कभी नहीं छोड़ेंगे। बधाई हो दासी द्रौपदी को, मेरे होने वाले सम्राट दुर्योधन ने क्षमा कर दिया, परंतु केवल एक अपराध के लिए दुर्योधन। अगले अपराध पर तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दासी द्रौपदी को और एक अपराध के लिए उकसाओ दुर्योधन, उकसाओ, ताकि मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारा प्रतिशोध दोनों पूर्ण हो जाए। हैं? अधर्म ने धर्म के पथ पर चलने के सभी अवसर ठुकरा दिए और धर्म का ध्वज थामने वाले मुख बैठे। सृष्टि को अधर्मियों के पाप ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना धर्मियों के मौन ने। ये मौन सब कुछ विध्वंस कर देगा। हस्तिनापुर का रथ अपने पतन के मार्ग पर बढ़ चुका है। जा दासी, तुझे क्षमा किया, परंतु तुझे मेरी सेवा में प्रस्तुत रहना होगा। सम्राट हूं मैं, हाँ? नपुंसक दास पतियों से जी भर जाए तो चले आना मेरे पास। ये तुम्हारे सर पे तुम्हारा मुकुट नहीं, तुम्हारा काल ना जाए। नीच! बस बहुत हो गया। एक बार क्षमा करने के पश्चात भी इस दासी ने वो दंडता दिखाई है। अब मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इस दासी का घमंड हरना होगा। आगे बढ़ो दुशासन, और वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। आगे आगे सर्वनाश हो जाएगा। हमारे दिए वचन का अनुचित लाभ मत उठाओ दुर्योधन। कौन रही आप सब? क्योंकि आप सब में से किसी में वो क्षमता ही नहीं है। अरे बंधे रहिए अपने अपने धर्म के खूंटे से। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्बलता बना दे। मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा माना वो सब तो अपने अपने धर्म से बंधे। जिन्हें पति स्वीकार किया उदास बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे। अब मेरी सहायता वो ही करेगा जो सबसे बड़ा है, और ये सारा संसार जिसका दास। बढ़ो दुशासन, आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं। मेरी आस्था की है और मुझे विश्वास है कि आज सभा में बैठे सभी नगरों द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे। गो